के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के अनुगुल जिले के तालचेर शहर में हुआ था। उनका परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है। उनके पिता का नाम देवेंद्र प्रधान और माँ का नाम बसंत मंजरी प्रधान है। उनके पिता केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वे 1999 से 2004 तक अटल बिहारी सरकार में मंत्री थे। उनकी पत्नी का नाम मृदुला टी प्रधान है। उनके एक बेटे निशांत प्रधान और बेटी नैमिषा प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी जाति से आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने शुरुआती शिक्षा अपने शहर से ही ली है। 1988 में उन्होंने तालचेर कॉलेज उत्कल विश्वविद्यालय से बीए और 1990 में वाणी विहार उत्कल विश्वविद्यालय से एमए किया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी राजनीतिक यात्रा छात्र राजनीति से शुरू की। उन्होंने 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की। इसी दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे। बाद में 1985 में वे तालचेर में ही छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। जिन दिनों धर्मेंद्र प्रधान छात्र राजनीति में थे, उन्हीं दिनों उनके पिता देवेंद्र प्रधान बीजेपी सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री के पद पर थे। धर्मेंद्र प्रधान ने भी 1998 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। 2004 में धर्मेंद्र प्रधान 14वीं लोकसभा के लिए ओडिशा के देवगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुने गए। इससे पहले इसी सीट से उनके पिता भी 1998 और 1999 में लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। धर्मेंद्र प्रधान को 2009 में ओडिशा के पल्लाहारा विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। 2012 में वे बिहार से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जा चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री बनाए गए। इसके अलावा वे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का काम भी देखते थे। मोदी सरकार की टीम के वे विश्वसनीय सदस्य हैं। यही कारण है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में भी मंत्री पद दिया गया और शिक्षा मंत्री बनाया गया। 2019 और बाद में वे ओडिशा विधानसभा चुनाव में भी वे बीजेपी का प्रमुख चेहरा रह चुके हैं। 2018 में वे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद बने। 2021 में प्रधान को केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 2024 में उन्होंने ओडिशा के संबलपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। फिलहाल वे शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीजी न्यूज़।